हेलो एवरीवन इन द लास्ट लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टुडे वी विल डिस्कस फर्दर टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ यूनिवर्सल इंडिकेटर ओके सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको क्या लगता है बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होना चाहिए यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे पास एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो हर एक एसिड और बेस के बारे में बता देता है तो साइंटिस्ट ने एक यूनिवर्सल इंडिकेटर प्रोड्यूस करा जिसको हम बोलते है, pH meter. PH meter क्या होता है उसे बोलते हैं बेटा पी मीटर पीएच मीटर हमारे पास क्या होता है, है पीएच होता, होता है बेटा नेगेटिव लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन की जो कंसनट्रेशन है उसका अगर नेगेटिव लॉग लें तो उसको हम क्या बोलते हैं पी और ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों होता है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर इसलिए होता है प्यारे बच्चों क्योंकि अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर आ, एसिड बेस या सोल्ट को लेता हूँ तो उसके केस में मैं ये बता सकता हूँ कि कौन सा हमारे पास जो एसिड है कौन सा बेस है कौन सा सोल्ट है जस्ट बाई यूजिंग पी मीटर ठीक है ना द थिंग इज कि पी मीटर में क्या क्या होता है पी मीटर में हमारे पास पीएच मीटर में रेंज होती है अभी और वो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होती है जीरो टू फोर्टीन होती है पहले बच्चों पीएच मीटर में जीरो टे फोर्टीन के बीच में हमारे पास रेंज होती है और अगर पीएच जो है वो लेस देन सेवन है लेस देन क्या है सेवन है तो हमारे पास सोल्यूशन क्या रहेगा एसिडिक रहेगा ठीक है अगर पीएच हमारे पास क्या है मोर देन 7 है तो वो हमारे पास क्या रहेगा बेसिक रहेगा और अगर पीएच इक्वल टू 7 है तो वो हमारे पास क्या रहेगा न्यूट्रल रहेगा सो दिस इज अबाउट पीएच ठीक है नाउ द थिंग इसकी हमारे पास जो पीएच पेपर होता है वो ऐसा होता है अभी ओके okay? जो पीएच पेपर या फिर आप पीएच मीटर बोल सकते हो जिसमें मार्किंग होती है 0 से 14 के बीच में यहाँ पे हमारे पास मार्किंग रहेगी ज़ीरो से फोर्टीन के बीच में इसके बीच में हमारे पास जो आता है वो है सेवन तो ज़ीरो से सेवन जो है वो हमारे पास क्या होता है एसिड होता है अभी सेवन टू फोर्टीन हमारे पास क्या होता है प्यारे बच्चों बेस होता है ज़ीरो टू सेवन इज एसिड सेवन टू फोर्टीन इज़ बेस नाउ इस तरफ हमारे पास एसिडिटी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाती है अभी <laughs> बढ़ती जाती है एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरफ बढ़ती जाती है जीरो टू सेवन के बीच में और यहाँ पे हमारे पास क्या बढ़ती जाती है बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है नाउ अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके पास क्या है दो सोल्यूशन है एसिड के दो पी के एक तो पी है दो और दूसरा है पी क्या चार वैसे आप लोगों को यह समझ में आना चाहिए पीएच क्या होता है पीएच में हम सिर्फ नेगेटिव लेते हैं हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन की कि हाइड्रोजन आयन कितना प्रेजेंट है ना किसी भी सॉल्यूशन में उसकी नेगेटिव लोग ले लेंगे तो पीएच आ जाएगा हमारे पास पीएच अगर दो है इन दोनों में से एसिडिक ज्यादा कौन सा है भाई मैंने बताया इस तरफ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो पीएच दो वाला ज्यादा एसिडिक है इसमें कंफ्यूज मत होना पीएच दो वाला क्या है ज्यादा एसिडिक है अगर हम सेम लाइंस पे मेरे पास पी एच दस और पी एच ग्यारह वाला सॉल्यूशन है तो हमारे पास ज़्यादा बेसिक कौन सा रहेगा बेसिक स्ट्रेंथ उस तरफ बढ़ेगी तो पी एच ग्यारह वाला हमारे पास ज़्यादा बेसिक रहेगा सो दिस इज अबाउट एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ अगर पी एच सेवन है तो हमें उसे क्या बोलते हैं अभी उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल ठीक है बेटा अब पी के हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे यूज़ेस हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि पी हमारे पास कैसे कैसे इस्तेमाल होती है और व्हाई पी एच इज़ मोर इम्पोर्टेंट अस क्यों ज़्यादा ज़रूरी है पी हमारे लिए सबसे पहले पी के यूजेस क्या क्या हैं उससे पहले हमारे पास सबसे पहले बात आती है जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स हैं इवन दो ह्यूमन बींग्स हैं वो जितने भी अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं वो एक स्पेसिफिक पीएच पे करते हैं अभी तो हमारे पास है क्या इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ पीएच के क्या इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में तो सबसे पहले हमारे पास है पीएच ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स तो जितने भी प्लांट्स और एनिमल हैं बेटा वो सारे प्लांट्स और एनिमल एक स्पेसिफिक पीएच पे क्या करते हैं काम करते हैं और उनकी जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है अगर मैं ह्यूमन बींग्स की भी बात करूं तो वो सारी की सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस एक स्पेसिफिक पीएच पे होती है आपको पता है पीएच जो ब्लड की है वो 7.4 है तो अगर हमारे पास पीएच चेंज हो जाती है ऊपर या नीचे हो जाती है तो पर्सन कैन गेट काइंड ऑफ डिजीज उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है अब अगर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की तो सेकंड है हमारे पास पीएच ऑफ सोइल हम भी जो खेतों में काम करते हैं एग्रीकल्चर वर्क जो करते हैं उससे क्या होता है जो पीएच है सोयल की वो चेंज हो जाती है वो मोर एसिडिक हो जाती है लेकिन अगर मैं किसी भी क्रॉप की किसी भी प्लांट की ग्रोथ की बात करूं तो सिक्स पॉइंट फाइव टू सेवन हमारे पास पीएच होनी चाहिए उसी पीएच पे जो ग्रोथ है उस पर्टिकुलर क्रॉप की पॉसिबल है तो पीएच ऑफ सोयल को मेंटेन करना इस लेवल पे बहुत ज्यादा जरूरी है थर्ड हमारे पास पॉइंट है पीएच इज यूज्ड इन टूथ डिके तो पीएच टूथ डिके में कैसे यूज होती है टूथ डिके में यूज होती है पहले बच्चों अगर मैं बात करूं हमारे पास जो हम खाना खाते हैं जिसमें शुगर प्रेजेंट हो जैसे अगर मैं बात करता हूं बहुत सारे बच्चे चॉकलेट्स खाते हैं तो चॉकलेट्स से दांत खराब हो जाते हैं व्हाट इज अ रीज़न क्योंकि उसके अंदर शुगर प्रेजेंट होता है और जो शुगर प्रेजेंट होता है प्यारे बच्चों उस शुगर की वजह से जो पीएच है माउथ की वो एसिडिक हो जाती है अब उस एसिडिक पीएच को क्योंकि बैक्टीरिया प्रेजेंट है और बैक्टीरिया क्या, क्या करते हैं ग्लूकोज को एसिडिक एसिडिक कर देते हैं जो शुगर प्रेजेंट थी उसे ठीक है अब पीएच अगर माउथ की एसिडिक हो गई तो उस एसिडिक पीएच को न्यूट्रल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग करते हैं भाई टूथपेस्ट और इसीलिए टूथपेस्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है टूथपेस्ट के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है बेस और वो बेस क्या करता है एसिड के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रल प्रोडक्ट बना लेता है इसीलिए पीएच टूथ डिके में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेक्स्ट है हमारे पास पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस भी हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने को पचाने के लिए या फिर उस खाने को जल्दी पचाने के लिए हम कह सकते हैं हमारी बॉडी एक गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है पी एच इन डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तो खाने को पचाने के लिए जो एसिड रिलीज किया जाता है वो एसिड हमारे पास बी एच सी एल होता है और उच्च एच बहुत ज्यादा एसिडिक होता है ये इतना एसिडिक होता है कि अगर हम चाहें जैसे अगर हम उसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर बोन्स डाल दें तो वो उसे भी पिघला देगा इतना ज्यादा एसिडिक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पीएच होता है जिस टाइम हम खाना खाते हैं उस टाइम हमारे पास एक एसिड रिलीज होता है जो हमारे खाने को पचाने में काम आता है तो पीएच डाइजेस्टिव सिस्टम में भी काम आता है इसके अलावा बेटा आप लोगों ने सुना होगा कि किसी को एसिडिटी होगी ओवर या तो ज़्यादा खाना खा लिया या फिर कुछ गलत खा लिया जिसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है तो उस एसिडिटी से बचने के लिए हम उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या देते हैं इनो या फिर कोई भी पर्टिकुलर बेस देते हैं पहले जो सबसे पहले यूज किया जाता था एसिडिटी को रिलीव करने के लिए वो था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ठीक है अभी और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारे पास एक पर्टिकुलर कंपाउंड होता है अभी एक बेस होता है और वो बेस क्या करता है जो एसिड उसे न्यूट्रलाइज कर देता है ओके okay. इसके अलावा आजकल जो यूज करते हैं अभी हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ आर अवेलेबल रेडिटीडीन हो गया इसके अलावा आ, देर इज इनो देयर जिसके अंदर बेस प्रेजेंट होता है और जो स्टमक के एसिड को क्या कर देता है न्यूट्रलाइज कर देता है और इन मेडिशन्स को क्या बोलते हैं इन मेडिशंस को हम बोलते हैं भाई आंट एसिड जो हमें एसिडिटी से रिलीव कराती हैं उन मेडिशन्स को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों आंट एसिड एंड द लास्ट वन रिमेन इज पी इन सेल्फ डिफेंस बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जो एक स्पेसिफिक पीएच का एसिड एसिड या फिर एक स्पेसिफिक पीएच का एसिड रिलीज करते हैं जैसे अगर मैं बात करूं आ, बीज की अगर मैं बात करूँ येलो आंट्स की तो वो क्या रेड आंट्स की तो वो क्या करते हैं वो एक एसिड रिलीज करते हैं रेड आंट्स कौन सा एसिड रिलीज करते हैं बेटा एच सी ओ एच और इस एसिड को हम क्या बोलते हैं इसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं ये एक फॉर्मिक एसिड है और इसका नाम फॉर्मिक इसीलिए रखा गया क्योंकि ये एक फॉर्मिका वर्ड से बना है फॉर्मिका का मतलब ही रेड आंट होता है रेड आंट ये एसिड रिलीज करती है और इस एसिड की वजह से हमें स्वेलिंग या रेडिस आ, Uh, जो पोर्शन है आपकी पर्टिकुलर बॉडी uh, पे दिखाई देता है जिस टाइम वो uh, uh, कहीं पे काट लेती है तो तो हमारे पास क्या होता है जो फॉर्मिक एसिड है वो रिलीज करती है अपने सेल्फ डिफेंस सिस्टम में ऐसे ही बहुत सारे प्लांट्स हैं जैसे निटल प्लांट हो गया वो क्या करता है वो भी एक एसिड रिलीज करता है जिस टाइम हम उसे छूने की कोशिश करते हैं तो सो दिस इज अबाउट पी एच और इम्पोर्टेंस ऑफ पी इन अवर डेली लाइफ ओके फर्दर देर आर सम डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेटा कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड के बारे में पढ़ा था जस्ट थिंक कि अगर हमारे पास कोई एसिड है ठीक है आ, तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ रिगार्डिंग दैट अगर हमारे पास कोई एसिड है और उस एसिड को मैं डाइल्यूट करता हूँ डाइल्यूट करने का मतलब है कि उसके अंदर पानी डालता हूं तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड हम कैसे करते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड हम ऐसे करते हैं कि एसिड के अंदर पानी डालें या फिर पानी के अंदर एसिड डालें ये चीज हमेशा ध्यान रखना पा बच्चों जिस टाइम हम लोग एसिड के अंदर वोटर डालते हैं एसिड के अंदर पानी डाला जाता है तो उस टाइम हमारे पास रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होती है क्या होती है रिएक्शन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है और इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के होने की वजह से हमारे पास जो ये प्रोसेस है ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि इस केस में एसिड के अंदर अगर हम पानी डालते हैं तो इस केस में जो बीकर है जिसके अंदर हम डाल रहे हैं वो टूट सकता है लेकिन अगर मैं पानी के अंदर एसिड डालता हूँ अगर मैं क्या करता हूँ पहले बच्चों वोटर लेता हूँ और वोटर के अंदर एसिड डालता हूँ इन दैट केस ये प्रोसेस जो है इतनी ज़्यादा हीट रिलीज नहीं करती तो ऐसे हम लोग डाइल्यूट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एसिड को ठीक है? डाइल्यूट का मतलब होता है water addition करना। और dilute करने से आपको क्या लगता है? Concentration acid की कम होनी होनी चाहिए, चाहिए। ज़्यादा क्योंकि H ion कम हो जाते हैं, बढ़ जाते है solvent जाती है की। इसीलिए करने से क्या हो हो जाती जाती है? है। कम ठीक है सो दिस इज अबाउट डायलूशन ऑफ एसिड एंड पी एच एन एस इंपॉर्टेंस फर्दर विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्स एट अवर होम Uh, which we will discuss in our next lecture. Thank you so much, dear students.